महामृत्युंजय देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महामृत्युंजय देवाय नमः स्वाहा। ओम श्री महामृत्युंजय देवाय नमः स्वाहा। दोस्तों आज आए हैं ग्राम केला बलमारी भूड़ी बाजपुर में, यहाँ चंदनगिरी बाबा के मंदिर पर 11 दिन की महाशिव पुराण का पाठ किया गया है और आज है इस महाशिव पुराण का 10वां दिन और यहाँ पर स्थापना हो रही है रुद्राभिषेक की। देखिए दोस्तों, रुद्राक्ष से बने इस शिवलिंग को सजाया जा रहा है। ये जो शिवलिंग है 11,000 रुद्राक्ष से निर्मित ये शिवलिंग है और इसे जलाभिषेक किया जा रहा है। आज रुद्राक्ष का दिन है, रुद्राक्ष शिवलिंग का दिन है। तो देखिए दोस्तों किस तरह से रुद्राक्ष के शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जा रहा है। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन स्थान पर और इस पावन प्रोग्राम पर हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप लोग भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है शायद बुकसाड़ में पहली बार हुआ है। महाशिव पुराण का पाठ पहली बार बुकसाड़ में हुआ है, ऐसी मेरी जानकारी में है। तो दोस्तों जैसे श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की थी, उसी प्रकार हमारे बुक्सा समाज से चंदनगिरी बाबा लगे हुए हैं बुक्सा समाज को जागृत करने में, सभी को जागृत करने में और धर्म स्थापना करने में, क्योंकि आजकल कलयुग है। पूजा पाठ और धार्मिक स्थानों में लोग कम ध्यान दे पा रहे हैं, अलतू फालतू की चीज़ें या नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों पूजा पाठ या भक्ति से ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त से ही शिक्षा आगे बढ़ती है। तो दोस्तों आप भी अपने गांव या अपने घर में पूजा पाठ जरूर करें। अब द्वार पूजा करेंगे, 10 दिशाओं का पूजन पूर्व से शुरू करेंगे। पूर्व में देखिए किस तरह से ये दरबार सजा रखा है। आज इस महापुराण को 10 दिन हो गए हैं पूरे और 11वें दिन में इस महापुराण समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए किस तरह से रुद्राभिषेक किया जाता है, पूरी वीडियो देखें और पुण्य कमाएं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है बहुत ही पवित्र और ज्ञान बढ़ाने वाला कार्यक्रम है, बुद्धि भक्ति को बढ़ाने वाला कार्यक्रम है। आज यहाँ पर जितनी भी नेगेटिव शक्तियाँ हैं वो इस रुद्राभिषेक और महाशिव पुराण के होते ही यहाँ की वे आसपास की या गाँव की सारी नेगेटिविटी या सारी जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो नष्ट हो जाएंगी और एक नया पॉजिटिव सकारात्मक माहौल यहाँ पर बन चुका है। यही है दोस्तों, कहते हैं भक्ति में ही शक्ति है। आज हमें यहाँ ये चीज़ देखने को मिली, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है और शक्ति से ही ज्ञान है और ज्ञान से ही धर्म है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बारी बारी से जलाभिषेक करते हुए भक्तगण, देखिए दोस्तों
पूरा रुद्राभिषेक किस किस तरह से होता है और इसमें जो सामग्री की आवश्यकता होती है वो क्या क्या होती है, देखिए और सुनिए, अपने आप को धन्य करिए। अब यहाँ पर मैं अभी जल चढ़ाता हुआ शिवलिंग पर देखिए दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और तन मन धन से यहाँ पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए देखिए इस तरह से यहाँ पर जो जजमान बने हुए बैठे हैं वो बहुत ही भाग्यशाली है। वैसे सभी भाग्यशाली हैं जो जो आज इस महाशिवपुराण में आए हैं, इस महाशिवपुराण को सुनने के लिए आए हैं और इस रुद्राभिषेक के गवाह बने हैं। भगवान भोलेनाथ इन सब की हर मनोकामना पूरी करेगा। देखिए दोस्तों, पूरे विधि विधान के साथ, तंत्र मंत्र के साथ रुद्राभिषेक की विधि को करते हुए रुद्राभिषेक में आरती करने के बाद अब आरती को हर मंदिर में घुमाएंगे। देखिए दोस्तों, ये है शनिदेव का मंदिर, इस पे भी इस आरती को घुमाया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी देवी देवता हैं उन सब पर इस आरती को घुमाया जाएगा। देखिए, और दूसरे मंदिर में चले, देखिए एक मंदिर यहाँ भी है, कई देवी देवताओं के मंदिर यहाँ पर स्थापित हैं। ये है हमारे औदार भैया जी जो तन मन धन से लगे रहते हैं भक्ति भाव पे, और बहुत शौक है इन्हें गाने का। देखिए इस तरह से आरती हो रही है ब्राह्मणों की, और देखिए अपनी सेवा देते हुए हमारे अवतार भैया, और यहाँ पर हमारे अजय भाई फोन करते हुए, और देखिए अब यहाँ पर हवन किया जा रहा है। देखिए इस तरह से दोस्तों, ये रुद्राभिषेक का कार्यक्रम है। इसमें बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारे तंत्र मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक दूध, घी, हल, पैसा, जूस आदि बहुत सारे वस्तुओं चीज़ों से रुद्राभिषेक होता है, और यहाँ पर हवन की प्रक्रिया चल रही है। देखिए दोस्तों, सभी लोग तन मन धन से पूजा अर्चना हवन करते हुए मंत्रों के साथ कितना सुंदर नजारा है, कितना सुंदर क्षण है। तो दोस्तों, यही है रुद्राभिषेक की पूजा, यही है महाशिवपुराण का एक अंग जो आज दसवें दिन में रुद्राभिषेक के रूप में यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है।
देखिए यहाँ पर भक्तगण भी शामिल हुए हैं इस रुद्राभिषेक के पावन पर्व में, पावन पूजा में। तो दोस्तों इस तरह से रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता है, रुद्राभिषेक की पूजा होती है, पूजा पाठ होता है। देखिए सभी तन मन धन से इस पूजा में भाग लेते हुए और अपना योगदान देते हुए और अपने आप को भाग्यशाली बनाते हुए पुण्य कमाते हुए। हमने आपको दिखाई पूरी रुद्राक्ष पूजा, यहाँ महाशिव प्रदान हुआ था और विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना संपन्न हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।